कोरबा नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन के दूसरे दिन एक महिला प्रत्याशी 2,500 का सिक्का लेकर अपने साथियों सहित नामांकन फॉर्म लेने पहुंची थी। नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 3 की जोगी कांग्रेस की प्रत्याशी पूजा शर्मा जब नामांकन लेने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट के निर्वाचन शाखा में पहुंची, पूजा शर्मा अपने जमानत राशि के रूप में 2,500 के सिक्के लेकर पहुंची। हालांकि निर्वाचन शाखा ने 2,500 का सिक्का भी स्वीकार कर प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म दिया। इधर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे की प्रत्याशी पूजा शर्मा ने बताया कि वार्डवासी ही उन्हें चुनाव के लिए खड़े किए हैं। स्लम बस्ती में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, गरीब बस्ती के लोग चुनाव के लिए 1, 2, 5 और 10 रुपए का सिक्का चंदा कर संयोग किए हैं। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मैं चुनाव लड़ सकूं। अगर चुनाव जीत कर आऊंगी तो वार्ड की समस्या को दूर करूंगी। मैं आज सिक्का लेके नामांकन इसलिए भरने आई थी क्योंकि मैं अटल आवास में रहती हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूँ। तो अटल आवास के मेरे जो गरीब भाई दीदी साथी जो भी हैं उन्हीं लोग मेरे को प्रत्याशी के तौर पर वहाँ से खड़े करवा रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए उन्हीं लोगों ने 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए जो भी यानी कि उन लोगों के पास था जैसा था वैसा उन लोग इकट्ठा करके मेरे को पैसा दिए हैं कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो और हमारे अटल आवास का और पूरे वार्ड का 3 नंबर वार्ड का जो कार्य नहीं हो पा रहा है उसको करवाओ। उन्होंने मुझे अधिकृत किया है कि वार्ड नंबर 3 से आप चुनाव लड़िए कह के। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अधिकारी लोग ले लिए सिक्का, तो 2,500 का सिक्का था। अब ये तो पूरा पक्का मेरे को पता नहीं है कितना था क्योंकि 5 का, 10 का, 2 का। अगर मैं चुनाव जीत जाती हूँ तो जो पहले के पार्षदों ने काम नहीं करवाया है, अटल आवास में तो कुछ काम हुआ ही नहीं है, ना वहाँ पास का रोड बना है ना नाली बना है। पानी जब बरसात का आता है तो सबके घरों में पानी घुस जाता है। जो मेरे से संभव हो पाएगा मैं उससे और ज्यादा करने की कोशिश करूंगी। मीडिया 4 सपोर्ट के लिए पूजा साहू की रिपोर्ट।